नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अनीता चौहान ग्रीन फूड मैजिक में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब चाय का टाइम हो रहा है और चाय के साथ कुछ चटपटा तीखा नमकीन खाने को होना चाहिए, क्योंकि चाय का मज़ा नहीं आता। इसलिए आज मैं पटाटो चीज़ रोल बना रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और चटपटे होते हैं। इसके लिए इसको बच्चे भी और बड़े भी बहुत खुश हो के खाते हैं। चीज़ रोल बनाने के लिए हमें जो जो सामग्री की ज़रूरत है, ये हमने हरा धनिया लिया है, ये कटा हुआ प्याज लिया है, ये हरी मिर्च लिया है, ये कटा हुआ अदरक है, ये दही है, ये चीज़ कसी हुई है कद्दूकस में, ये सफ़ेद नमक है, ये काला नमक है, ये लाल मिर्च है, ये अजवाइन है, ये भुना हुआ जीरा है, और ये कॉर्न फ्लेक्स है जिसका मैंने चूरा बना लिया है, और ये कॉर्न फ्लोर है। इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी पोटैटो चीज़ बनाने के लिए। तो हम ये आलू मैंने धो के काट के रखे हुए, अभी हम इसको उबलने रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमारे आलू उबल गए हैं, अब हम इनको ठंडा करने के लिए रखेंगे। ठंडा करेंगे इनको। ये आलू हमने मैश कर लिए हैं, अब हम इसमें सब सामान डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरा धनिया, कटा हुआ प्याज, नमक, अजवाइन, काला नमक, कॉर्नफ्लावर, लाल मिर्ची। अब हम सब इसको मसाले को मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे सारे को। जीरा डालेंगे ऊपर से। हमने मैश कर लिया है इसको अच्छे से। अब हम इसके रोल बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे रोल बनाएंगे। इसमें चीज भरेंगे ऐसे बीच में, चीज भर के इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए, हमारा ऐसे रोल बन गया। दूसरा लेंगे। ऐसे करेंगे, इसके बीच में फिर हम चीज भरेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके ऐसे कर देंगे। ये हमारा रोल बन गया। ये देखिए, ऐसे बना बना के ये रख लेंगे। ये देखिए, अब हमारे सारे रोल बन गए हैं। अब हम इसको दही में डिप करेंगे और इसमें कॉर्नफ्लेक्स में डिप करेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे करेंगे, इसके अंदर ऐसे ऐसे डिप करेंगे,
ऐसे डिप करेंगे और फिर इसमें लगाएंगे। ये ऐसे करेंगे, फिर इसको डिप करेंगे इसमें दही में, फिर इसको लगाएंगे। अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे करके सारे हम बना लेंगे। सारे बनाते हैं हमें रखेंगे, रिफाइंड डालेंगे, गरम होने देंगे। ये हमने बना के रख लिए हैं। ये हमारा रिफाइंड गरम हो गया है, अब हम इसमें ये डाल फ्राई करेंगे। देखिए हमारे रोल तैयार हो गए हैं। अब हम सर्व करेंगे। गर्मा गर्म शाम का नाश्ता तैयार है दोस्तों। आइए आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए और अपने घर में ट्राई करिए, ऐसे ही बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाय दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।